नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए इस चैनल पर मैं आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपका एसएससी एस सी सी जी ट्वेंटी ट्वेंटी टीयर थ्री के एग्ज़ाम के लिए सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी टीयर टू के एग्ज़ाम के लिए और आपका एम टी एस के टीयर टू के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट पी बनाई है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है जस्ट कोस्ट ऑफ ए बर्गर एंड ये पी में आपको जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं आपको मिल जाएंगे और साथ में जितने जनरल टॉपिक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सी एच एस एल सी जी एल और एम टी एस में डिस्क्रिप्टिव में काम आएंगे तो वो सारे बताए हुए हैं आप जा करके देख सकते हैं तो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म टाइम कम है आप लोगों के लिए इसलिए मैं सेम वीडियो में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करवा दूंगा तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इफ़ेक्ट ऑफ कोविड ऑन नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन सो इंट्रोडक्शन एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैंने एक नया चैनल बनाया है आ, उस चैनल पर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपेशन करूँगा मतलब अलग से सारा कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव का वहाँ पे अभी मिलेगा आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं दिखा देता हूँ चैनल ये चैनल मैंने आज ही बनाया है एस एग्ज़ाम स्टडीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है एक बार देख लीजिए कैसा लोगो है ये ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है बताना आपको कैसा लोगो बनाया मैंने सो द टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म सबसे पहले इनका मतलब जान लेते हैं कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ जाता तो आपकी अप्रोच क्या रहती ग्लोबलाइजेशन हैव यू हर्ड द टर्म एल पी जी एल पी जी मॉडल सभी ने सुना होगा इस टर्म के बारे में इकोनॉमिक्स मैंने पूरी पढ़ाई है आपको जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में उसमें देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के बहुत अच्छे तरीके से एल पी जी मॉडल में लिख ये जो आपका जी होता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अपने आप को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना हमारे इंडिया में जो कंपनीज़ आ रही हैं क्या ग्लोबली वो जुड़ी हैं क्या बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज़ में या नहीं कर रहे हैं तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन कितनी कंपनीज़ बाहर से आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और कितना उससे भारत को जो है वो टैक्स uh, के रूप में कॉरपोरेट टैक्स होता है द टैक्स ऑन द कंपनी कॉरपोरेट कंपनी इज़ नोन एज कॉरपोरेट टैक्स तो वो टैक्स के रूप में भारत को कितना फ़ायदा हो रहा है कितने लोग इम को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कितने लोगों को निवेश के रूप में जो है वो पैसा मिल रहा है तो ये है ग्लोबलाइजेशन ये आपका मनमोहन जी की टाइम में जब वो अर्थशास्त्री उस टाइम पे थे तो उन्होंने ये सुझाव दिया था एलपीजी मॉडल का और काफ़ी डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई थी उस टाइम पे और लेकिन ये एल मॉडल जो है वो काम कर गया था ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ़ द वर्ल्ड लीडिंग टू वन ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है अलग अलग तरीके की उन सब को इंटीग्रेशन आपस में जुड़ना उनका लीडिंग टू वन ग्लोबल इकोनॉमी इट इन्वोल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस कंट्रीज़ तो इसमें क्या होता है Uh, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है एक इंट्रेक्शन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है द एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट आइडियाज़ कल्चर मैन पावर एंड अदर रिसोर्सिज़ वेरिंग कंट्री टू कंट्री कॉन्स्टिट्यूट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन नाउ वी हैव द एसेस टू मेजर कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसिज़ विद इन आवर कंट्री विच वॉज़ ए ड्रीम अर्लियर दिस हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी of transportation and communication in india prior to present falling rupee uh, value of rupees the country raises interaction from the world through globalization so globalization causes inter uh, dependence of trade uh, among countries foreign investment <coughs> so globalization causes इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड अमंग नेशन और क्या क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग नेशंस सोशल इंट्रैक्शन अमंग कंट्रीज़ एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके बाद आता है नेशनलाइजेशन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं क्या किसी चीज़ का उन पर इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स हम ग्लोबली आपस में जुड़ते हैं नेशनलाइज में क्या होता है हम अपने नेशन के बारे में सोचते हैं कि क्या आ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी इस तरीके की नेशन के प्रति हमें पेट्रियोटिक होना पड़ता है कि कहीं बाहर की कंपनियां आ जाएं और हमारे जो स्वदेशी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इफेक्ट ना पड़े तो बाहर की कंपनियां आएंगी तो इस तरीके से भारत की जो स्वदेशी चीज़ें हैं कोई ना ख़रीदे तो इस चीज़ें पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है इन दोनों को जस्ट इक्वेट किया है कम्पेरिज़न किया है कि क्या दोनों बैलेंस खा रही हैं क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों में और दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से नेशनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड होता ही है वो इसको लेकर के आता ही है दिवाली के टाइम पे हमेशा इस तरह की एड दिखाई जाती हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं ख़रीदने चाहिए चाइनीज़ लाइटिंग ना ख़रीदें जो हमारे आ, भारत के जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो दिए वगैरह बनाए जाते हैं उन्हीं को परचेज़ करें इस तरीके की चीज़ें काफ़ी प्रमोट की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टीज़मेंट भी आती हैं लेकिन बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं वो फिर जो अलग अलग एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं उनको प्रचार करती हैं सो so बेसिकली एक पोलिटिकल आइडियोलॉजी ही आ, होती है एक तरीके की डेट इन्वॉल्व अ स्ट्रोंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद ए नेशन नेशनलिज्म इंक्लूड द इंट्रेक्शन लिमिटेड अप टू वन पर्टिकुलर नेशन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट Line that you have to actually write in your exam whenever this kind of passage you uh, will tackle in your exam. Trade only in one particular boundary, okay? nationalism is the Rigidity is exchange of goods and services across the nation. COVID 19 arrived in a world uh, where nationalism and anti globalism were on the ascent. जब कोविड नाइन्टीन हुआ तो हम सारी ग्लोबलाइजेशन भूल गए थे हमें क्या है हमें फ़्लाइटें जो है वो स्टॉप करनी पड़ी बाहर से जो विदेशी यात्री आ रहे थे उनको हमें रोकना पड़ा भले ही वो टूरिज़म के लिए आ, आ, आ रहे हों और हमें इंडिया को उससे फ़ायदा होता लेकिन रोक दी गई उस टाइम पे फिर पैट्रियटिक होना पड़ा नेशनलिज़म का जो गेम है वो खेलना पड़ा तो कोविड नाइन्टीन की वजह से क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र होता है कि हमारे फिर लोगों को जो है वो बाहर से जो कोविड पेशेंट आएंगे हमारे देश पे अल्टीमेटली अगर वो चीज़ फैलती है आ, ये बीमारी बाहर के आए हुए लोगों की वजह से फॉरनर्स की वजह से तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी को ही लास्ट में नुकसान होगा तो वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत इफेक्ट करी थी तो वेयर द नेशनलिज़्म एंड एंटी ग्लोबलिज़्म दोनों पीक पर थी वर ऑन एसेंट दोना वायरस क्राइसिस हैज़ हाईलाइटेड द डाउन साइड्स ऑफ एक्सटेंसिव इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वाइल फैनिंग फीयर्स ऑफ फॉरनर्स एंड प्रोवाइडिंग लजिटमेसी फॉर नेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड फ्लोज ऑफ पीपल इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ देखिए जो करोना वायरस है क्राइसिस है उसने हाईलाइट किया क्या चीज़ को हाईलाइट uh, किया द डाउन साइड ऑफ एक्सटेंसिव इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ठीक है उस चीज़ को इन्होंने डाउन साइड किया जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होती है और साथ में वाइल फैनिंग फियर्स ऑफ फॉरनर एंड प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी फॉर नेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड क्लोज ऑफ पीपल विदेशियों के डर को हवा देते हुए और वैश्विक व्यापार और लोगों के प्रभाव पर राष्ट्रीय प्रबंध प्रतिबंधों को ठीक है जो नेशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको वैधता प्रदान करते हुए मतलब उसको एक्सट्रीम लेवल पर रखते हुए उसको इंपॉर्टेंस देते हुए कोरोना वायरस संकट ने व्याप पक् अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के डाउन साइड को उजागर किया मतलब वहाँ पे आपका नेशनलिज्म जो है वो दिखा वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन सब कुछ फैक्टर जो है वो आ, क, जो है वो बंद हो गए थे ग्लोबलाइजेशन कोजेज इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन मैनी कंट्रीज लाइक इन इंडिया आल्सो वेर द एल मॉडल एक्चुअली वर्कस वेर इंडिया इज इन डू एंड डाई सिचुएशन सो इन इंडिया Uh, before globalization there is slow growth in gdp globalization has many advantages but uh, uh, there is also some disadvantages of it globalization may be harmful for local domestic markets as i uh, already explained about the example of the chinese lighting during the diwali where people uh, normally used to uh, buy these chinese uh, uh, product items lighting एंड दे डो नाट बाई दिस चीप एंड जो लोकल मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं दे डो नाट वॉन्ट टू बाई दैट प्रोडक्ट जनरली उन्हें लाइटिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है सो ग्लोबलाइजेशन में हार्मफुल फॉर द लोकल डोमेस्टिक मार्केट बट बिकॉज दे आर आ देयर मे बी मैनी ग्लोबल कंपनी प्रोवाइड सर्विसिज़ एंड गुड्स एट नॉमिनल रेट्स नेशनलिज़्म प्रेफरेबल बट देशनलिज़म इज़ नॉट एबल टू इंक्रीज़ दी जी टी पी देखिए इतने सारे ऐसे जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ वो सारे कहीं ना कहीं आप देखेंगे लिंक्ड होते हैं जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो नेशनलिज़म है ग्लोबलिज़म है इसके और कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं आप इसको ब्रेन ड्रेन से भी जोड़ सकते हो जैसे अमेजॉन कंपनी है अमेज़ोन की कंपनी में अब भारत में भी कितना अमेजान की कंपनी जो रहे है व्यापार कर रही है घर बैठे बैठे जो है वो चीज़ें आ जाती हैं चीप प्राइस पे भी मिल जाती हैं और अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी हो जाता है और बिल्कुल अट्रैक्टिव सी एड दी जाती है तो कितनी सारी फैसिलिटी जो है वो एट अ टाइम मिल जाती है और जो पैसों की परवाह नहीं करते लोग जो रेट्स को नहीं देखते वो तुरंत इतने इतने सामान जो है वहाँ से ऑर्डर जो हम वो करवा देते हैं और इंडिया में जो आ, एक से एक जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने कहीं में इंडिया में स्टडी की थी तो वो जो आ, लोग हैं उन्होंने उस टाइम पे बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर और बेटर रिसर्च वर्क के लिए जो है वो बाहर एब्रोड चले गए थे और आज जो वो वहाँ पे आ, जो इस्पेशली यू की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या है वो टॉप uh, पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं मतलब वहाँ पे सीईओ जो है वो बन बन गए हैं जैसे मैं सुंदर पिछाई की बात करूँ तो अजय त्यागी की मैं बात करूँ तो ये सब नेशनलिज़्म प्रेफरेबल बट द नेशनलिज़्म नॉट एबल टू इंक्रीज द जीडीपी एट द रिक्वायर्ड लेवल फॉर द नेशन नेशनलिज्म को प्रेफरेबल कहा जा सकता है लेकिन नेशनलिज्म कभी भी नेशन के लिए एक रिक्वायर्ड जीडीपी को इंक्रीज नहीं करने में अयोग्य होगा सो वन हैव टू स्विच ओवर ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म वुड इवेंचुअली लीड टू कंट्रीज क्लोजिंग डाउन देयर बॉर्डर्स फॉर इमिग्रेशन एंड ट्रेड लीडिंग टू अ वैक्यूम इन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम सो so सेम ही पैसेज को हम हिंदी में कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी प्रेफर करते हैं टाइम कम है इसलिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा यही बनाऊंगा। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है इसमें विभिन्न देशों के बीच बातचीत और अन्य का एक बड़ा हुआ स्तर जो है वो शामिल है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना अब इसको हिंदी में ये बोलते हैं भाई काफ़ी तगड़ा सा वर्ड है एक बड़ा हुआ स्तर जो है वो शामिल है उत्पादों विचारों संस्कृति जनशक्ति और अन्य संसाधनों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान वैश्वीकरण का एक वास्तविक अर्थ है इस वैश्वीकरण देखिए मैं नहीं कहता कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल डिटो लिखना है लेकिन यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है और यही अंडरस्टैंडिंग काम होती है आपको जब अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो आप अपनी वर्डिंग्स में जो है वो अपना जो एग्ज़ाम में आ गया उसको बनाइए लेकिन एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए एक टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आ, मैंने कहा था कि आप इसको नेट पे नहीं पढ़ सकते यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ पे क्या होगा टाइम वेस्ट होगा इतने सारे ऐसे पढ़ोगे वहाँ पर उनको समझोगे इतने सारे आर्टिकल करोगे ये एक पी है जस्ट खोली और सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं आपको मिल जाते हैं ये बड़ी ख़ास बात है इसमें उसके बाद देखिए इस वैश्वीकरण के कारण अब हमारे देश के भीतर प्रमुख देशों और उनके उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच जो पहले एक सपना था ठीक है वो आ, जो पहले एक सपना था ठीक है पहुँच सेवाओं तक पहुँचा जो पहले एक सपना था यह परिवहन और संचार की प्रौद्योगिकी में वृद्धि का कारण संभव हुआ है भारत में रुपए के गिरते वर्तमान गिरते मूल्य से पहले देश ने वैश्वीकरण के माध्यम से ही दुनिया ने अपनी बातचीत बढ़ाई वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच व्यापार की अन्योन्या श्रेयता इंटरडिपेंडेंस राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान और देशों के बीच साम सामाजिक संपर्क विदेशी निवेश का कारण बनता है राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें एक राष्ट्र के साथ व्यक्तियों के समूह की एक मजबूत पहचान शामिल है राष्ट्रवाद में एक विशेष राष्ट्र सीमित बातचीत शामिल है राष्ट्रवाद केवल एक विशेष सीमा के में व्यापार का कारण बनता है केवल देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में कठोर था रिजिडिटी कोविड नाइन्टीन एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण का विरोध जो है वो बढ़ रहा है आ, बढ़ रहा है वहाँ पे वैश्वीकरण का जो है वो विरोध बढ़ रहा है और राष्ट्रवाद जो है वो वहाँ पर काफ़ी बढ़ रहा है दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं विदेशों को हवा देते हुए और वैश्विक व्यापार और लोगों के प्रभाव पर राष्ट्रीय प्रतिबंधों को वैधता प्रदान करते हुए कोरोना वायरस संकट ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय एकीकरण के डाउन को उजागर किया है वैश्वीकरण कई देशों में आर्थिक क्रांति का कारण बनता है भारत में वैश्वीकरण से पहले जी में धीमी वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कई फायदे हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं वैश्वीकरण स्थानीय घरेलू बाज़ारों के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि कई वैश्विक कंपनियां हो सकती हैं जो मामूली दरों पर सेवाएं और सामान प्रदान करती हैं राष्ट्रवाद बेहतर है लेकिन राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए आवश्यक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद जी में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है इसलिए वैश्वीकरण पर स्विच करना होगा आ, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण अंततः देश अपनी सीमाओं को अप्रवास और व्यापार के लिए बंद कर देंगे जिससे विश्व व्यापार प्रणाली में एक खाली पंसा जो है वो क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम सो आई होप ये पैसेज आपको अच्छा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए धन्यवाद